Hello, what's up? Welcome back to the new vlog. And today is 1st December. Aaj 1st December hai. Happy New Year to you from my side and to my all subscribers. आज मैं अपने कॉलेज पे और कॉलेज टूर करने वाला हूँ मेरे दो दोस्तों के साथ. उनको आप जानते ही हो, राहुल और मयूर. ये पीछे में मेरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी. अभी फ्रंट कैमरे की वजह से वो थोड़ा पलट गया. ये मेरे पीछे में मेरा डिपार्टमेंट है, वो वहाँ से एंट्री है. मैं आगे वाली क्लिप डालूँगा. अभी हम मेरा डिपार्टमेंट अभी हम आगे वाले डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे, क्योंकि चार्ज लेने आए थे हम लैब का, बट सर अभी अवेलेबल नहीं है. तो हमने बोला आगे के सब डिपार्टमेंट घूम के आते. अभी चलो मैं आगे के दिखाता हूँ. यहाँ से आते हुए पहले ये गर्ल्स हॉस्टल आता है जो पुराना है, और नेक्स्ट यहाँ पे ये है दूसरा. ये डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, पॉलिटेक्निक. हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती में हैं. और ये पहला डिपार्टमेंट जो हम आए वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है, प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. और ये दो आगे रास्ते निकल रहे हैं. यहाँ देखते अभी कहाँ कहाँ जा सकते अपन. और अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी बिल्डिंग की तरफ. ओह माय गॉड, कैस बड़ी लाइब्रेरी बिल्डिंग है भाई ये. इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट होने के बाद अभी हम लाइब्रेरी वाले क्वार्टर्स पे आए हैं. और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, मैंने सोचा नहीं था इतनी बड़ी रहेंगी. कैसा है भाई लाइब्रेरी, अच्छी लगी? दूर बड़ी, बड़ी बहुत बड़ी है यार. ये देखो आगे गाइस, अभी हमको थोड़ा एंट्री करने दी है सर ने. पहले ही डांट रहे थे बट हम घुस गए. ये सर ने बोला कि नोटिस पढ़ लो लाइब्रेरी का, एक मिनट में दिखा. तो ये है लाइब्रेरी का व्यू. मैं अभी जा नहीं सकता अंदर क्योंकि सर डांट रहे थे. बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर. सॉरी शूट आज नहीं है, तो कुछ चार घंटे तो रेगुलर शूट बन जाते. चलते तो गाइस, मेरे आगे तुम्हें पुरानी खंडर बिल्डिंग दिख रही है. ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती का गर्ल्स हॉस्टल. और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर और नेचर वाइब्स बहुत ही अच्छी है यहाँ पे. अरे थोड़ा खंडर हो गया क्योंकि लास्ट दो सालों से बंद है ना हॉस्टल. अच्छी है वाइब्स क्योंकि पूरा जो कैंपस है पूरा फॉरेस्ट के अंदर है. एंड कैंपस इज ऑल्सो अमेजिंग. लेट्स सी अभी कहाँ दूसरी लोकेशन मिलती है हमें. ये दो डिपार्टमेंट आगे है यार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर. चलो यहाँ पे जाके देखते हैं कुछ. हाँ बताओ ऑडियंस को, आता बोल बताना भाई. कैंपस में सब भरा हुआ होना चाहिए. हाँ तो कैंपस बॉयज फिर थोड़ा चिल मिलता है. तो राहुल भाई का बोलना ये है कि कैंपस थोड़ा पैक्ड रहना चाहिए, जैसे बॉयज गर्ल्स टीचर्स और सब रहना चाहिए, तब इंजॉय होता है कैंपस का. कैंपस में खाली रोड पर घूमने अभी फिलहाल खाली रोड है. हाँ भाई कोरोना की वजह से सबकी वाट लगी. तो चलो छोड़ो, मैं आगे वाला डिपार्टमेंट पहुँच गया अपन शायद. तो गाइस हम नए डिपार्टमेंट की तरफ आ गए. तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है तुमको, ये है CE कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट. और आगे में बहुत ही अच्छा छोटा सा गार्डन है. ये नई बिल्डिंग लग रही है और बस हमारी बिल्डिंग पुरानी है ऐसा लगता है. नहीं क्या ब्रो, हमारी बिल्डिंग पुरानी है, हमारी बिल्डिंग अच्छी है, सब बिल्डिंग अच्छी है. देखिए तो यस गाइस, हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारा डिपार्टमेंट है नहीं. और अगर गए तो वो हमें आईडी कार्ड पूछेंगे, वो जो हमारे पास नहीं है बाकी डिपार्टमेंट के. एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट का हमारे पास आईडी कार्ड नहीं मिला अभी तक. दूसरे डिपार्टमेंट का क्या करें, कब देंगे? देंगे जरूर देंगे. वापस बंद होने वाला है अभी.
आखिरी साल है कुछ महीने बाकी तब भी नहीं दी अब तक के हमारे पास इनोवा भी नहीं पास आउट होने के बाद देंगे जरूर देंगे पास आउट होने के बाद देंगे छोड़ो क्या कर सकते Like city nights and satellites When I'm old and losing sight Carry me तो हम दूसरे रास्ते से निकल गए मेन गेट से नहीं निकल के दूसरे गेट से निकल गए कैंपस टूर तो मैंने दे दिया इतना ही था हमारा कैंपस और बहुत ही अच्छी जगह है बहुत फॉरेस्ट टाइप में सिचुएटेड है सब पूरा बिल्डिंग्स पर हमारी बिल्डिंग सबसे पुरानी लगती है और बाकी बिल्डिंग्स देखे तो नए लगते भाई तुम्हारा रिव्यू क्या है कॉलेज के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर एक नंबर है एक नंबर हमारी बिल्डिंग है कौन सी बिल्डिंग अपनी बिल्डिंग बाकी की बिल्डिंग बताओ बाकी बिल्डिंग A1 A1 हमारी बिल्डिंग खंडर हमारी बिल्डिंग खंडर हाँ वो पुराने जमाने की है इसीलिए थोड़ा कोई बात नहीं बहुत पुरानी कॉलेज है आने को मिल रहा वही बड़ी बात है अभी आजकल ये तो हमने सोचा था कि पूरा साल ही ऑनलाइन जाएगा चलो बाय गाइस ये पूरी वीडियो बनाएगा ना बाय गाइस टेक केयर मेरे हे व्लॉग व्हाट्सअप सो टुडे इज 2nd ऑफ जनवरी तो गाइस अभी अभी टिफिन आया हमारा संडे का सुबह का टिफिन मेस है और आज हमें मिले हैं तो आज हमें ये मिले हैं क्या बोलते इसको बिट्टिया समथिंग पता नहीं यार ये विदर्भ की कौन से साइड की डिश है आज रोटी की जगह ये बिट्टिया दिए और बैंगन की सब्जी चावल और दाल हाँ हमारा मेस वाला सलाद भी देता है तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं ये बिट्टिया तो कुछ ऐसा कुछ रहता है तो उसको ये इतना पोर्शन निकालना पड़ता है साइड साइड से और ये जो बैंगन की सब्जी है उसमें डाल के टेस्ट करना पड़ता है खैर नहीं बोल सकते हैं ठीक ठाक है अच्छी टेस्ट है मोस्टली भंडारा साइड नागपुर साइड पब्लिक को नहीं बताई तो उनको मैं बता दूं कि टेस्ट अच्छी इतनी भी खराब नहीं है वेलकम बैक और आज है 3rd of January और अभी बज गए 6 एग्जैक्टली 6 बज गए और अभी अभी हम कॉलेज से निकले और जस्ट प्रैक्टिकल्स वगैरह खत्म हुए और अभी आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे राहुल भैया बताओ आज हमने बनाया क्या बनाया वो बनाया तो बताओ अबे तू ही बता ना अरे आज हमने बनाई ये क्रीम बनाई ऑइंटमेंट क्रीम बनाई मैं वाइट ठीक है भाई सब्सक्राइब करो हमारे भाई को अरे इतना ही बोलना था इसको कैमरा के आगे सिर्फ इतना ही बोलना था भाई को आखिर कुछ बोल दे बाय बाय टाटा कल मिलेंगे नमस्कार मित्रांनो आज हम मराठी में ब्लॉग करत आहे आणि आज आमच्यासमोर एक नवीन मित्र आहे कुणाल भाऊ हे कुणाल भाऊ इथेच राहतात अमरावती मध्ये आणि आपले श्रेयस भाऊचे मित्र आहेत खास खास मित्र एकदम पक्के वाले तर आज आमच्यासोबत हे आमच्यासोबत आले आहेत तर आम्ही मंचुरियन नूडल्स घेतला आणि भाऊने आम्हाला आणलं कुणाल भाऊने आता टेस्ट करू बघता भाऊ तुमचा एक्सपिरियन्स सांगा आता जस्ट जस्ट तुम्ही पुणे फर्स्ट टाइम आलो इथे अच्छा फर्स्ट टाइम आला हा सुरेश भाऊने सजेस्ट केला का सुरेश भाऊ खूप फिरतात त्यांनी सजेस्ट केला आता अरे त्यांचा मंचुरियन पण पडला जस्ट मंचुरियन पडला आमचा त्यांच्या चला ठीक आहे मिलते आपसे बाद में थोड़ी देर में चलो बाय तो गाइस अभी हमसे बाय बाय कर रहे कुणाल भाई और बाय और थैंक यू भाई ट्रिप के लिए चलो चलो बाय 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 टाटा मिलते ख्याल रखो अपना ख्याल रखो तुम जन कोविड नहीं होना चाहिए मास्क लगाओ ये हम नहीं बोल सकते गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हमारे साथ 3 नए दोस्त हैं मेरे भाई अतुल पाटिल सुरेश पुराड़े और कुणाल कोटे मास्क हटा दो और अपने चेहरे दिखाओ सुंदर सुंदर ये भाई मेरे गांव के तरफ से गोंदिया गोंदिया और ये भाई अपने पास के तरफ से काटुल से और भाई अमरावती साइड कौन सा गाँव है तुम्हारा सिरसगांव मेरे को नहीं पता सिरसगांव कस्बा कस्बा कस्बा
मेरे को पता नहीं इधर साइड के, तो क्या है तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी? एक एक वीक हो गया अमरावती में, लेक्चर रेगुलर होते नहीं, प्रैक्टिकल होते हैं, एंजॉय करते हैं। वो बोल रहे हैं लेक्चर रेगुलर होते नहीं, प्रैक्टिकल रेगुलर होते, ऐसा चल रहा लाइफ। चलो बाय कर दो, बस मेस तो बनी है वरना जो मेस का थोड़ा इनका लोचा है। चलो ओके, सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय न्यू फ्रेंड सानिका एंड स्नेहल। ये तुम कौन से गांव से? हाँ दोनों एक ही गांव से, दोन गांव और दोनों का एक ही नाम है डोन गांव। हाँ ब्रो, इधर पीछे हर्षल भी है। आ गया भाई आ गया। शुभम तो पहले इंट्रोड्यूस कर चुका है। अभी क्या एक्सपीरियंस है? दो तीन वीक से हो तुम यहाँ पे अमरावती में, बताओ। बहुत जोर से बोलो थोड़ा बस। अभी तो गाइस अभी अभी हम खाना खाने बैठ गए, बज गए अभी 6:30 बज गए। हाँ तो क्या आपने तवा रोटी कितना साइज देखा होगा? तवा रोटी का मैक्सिमम गेस करके मेरे को बताना कमेंट्स में। अभी मैं हमारे एरिया की तवा रोटी दिखाता हूँ, देखिए आप। तो भैया देखो ये इतनी बड़ी तवा रोटी बहुत बड़ी एक्स्ट्रा लार्ज ट्रिपल एक्सेल साइज की तवा रोटी है। तीन बंदों के लिए हो जाती, बट मैंने तो पहली बार इतनी तवा रोटी देखी बड़ी। और आज श्रेयस कड़ू भैया की दीदी ने भी हमारे लिए ये सब्जी भेजी है, बैंगन का भरित, जो बहुत दिनों से क्रेविंग थी खाने की। थैंक यू बोलना ब्रो उनको, कड़ू ब्रो थैंक यू बोलना दीदी को। ओके ओके, तुम्हारी तरफ से दोनों की तरफ से बोलूंगा। यस Then process complete. हो गया? Then after all going to home. पर कुछ चिल्ला रहा है। हम चिल्ला रहे हैं ना। अरे ये किसी होनहार नौजवान छात्र यहाँ पे। होनहार का तो पता नहीं। नौजवान बोल रहे हैं। नौजवान सब। उस बस 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 बस। मेरे अबे हमने इसे 10 मिनट तक अब डार्क में प्लेस किया, फिर उसके बाद इस ब्यूरेट में हमने सोडियम थायरोसल्फेट लिया, फिर हमने अब इसमें 0.01 सोडियम थायरोसल्फेट ऐड करके जा रहे हैं। देखिए इन्होंने माजा बना दिया सीधा। नो थैंक्स। ये देखिए इधर राहुल भैया ने कम से कम यहाँ पे कितने डाले यहाँ पे केमिकल्स? हर केमिकल 10-10 एमएल डाला है। ये देखिए लास्ट में 5 एमएल हो जाएगा पे, वो सब मिक्स करा उसमें। हर केमिकल 10-10 एमएल डाले। हाँ ये ना कुछ तो बना रहा है। और लास्ट में रिजल्ट 5 एमएल आया। क्या बोला? लास्ट में रिजल्ट 5 एमएल बक्सा उड़ गया। कहाँ फेंक दिया गया वो? अगर लॉकडाउन लगेगा तो तू घर जाएंगी या नहीं जाएंगी? नो। ये भी रहेंगी तू? लॉकडाउन लगेगा तो घर जाएंगी या नहीं? नहीं यही पे सानिका के साथ।